हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस और टेबल क्रिएशन के बारे में। तो मेरे एसक्यूएल सर्वर सेटअप वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हैं और कैसे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं। तो हम देख लेते हैं मेरा ये सेटअप अभी है क्या। पहले देखते हैं एसक्यूएल सर्वर। उसके लिए मेरे को सर्विसेज में जाके उसकी सर्विसेज रन हो रही है कि नहीं वो देखना है। एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर सर्विस रनिंग स्टेटस, राइट? तो ये बढ़िया है। और अब हम इसमें जाते हैं और यहाँ से एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ ब्राउज करूँगा, डेटाबेस इंजन में जाऊँगा और ये मेरे सर्विस सिलेक्ट करता हूँ। ओके, कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस दिखाए। तो डेटाबेस, हमको डेटाबेस क्रिएट करना है। हम डेटाबेस में जाएंगे, एक्सपेंड करते हैं इसको, और ये सिस्टम डेटाबेस और स्नैपशॉट दिखा रहा है। अब हम यहाँ पर एक हमारा एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू डेटाबेस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डेमो डेटाबेस नाम देता हूँ। ठीक है, और ओके। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं इसको यहाँ एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल्स, व्यूज, डेटाबेस डायग्राम, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो टेबल एक तो जीयूआई से क्रिएट होता है और एक एसक्यूएल स्क्रिप्ट से। तो हम पहले देखते हैं जीयूआई से कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, टेबल। तो ये हमको न्यू टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देना होगा कॉलम नेम, डेटा टाइप और अलाउड नल। तो यहाँ मैं जस्ट एक रैंडम टेबल का नेम देता हूँ, टेस्ट टेस्ट कॉलम वन। ठीक है, और डेटा टाइप, तो डेटा टाइप को हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ दे सकते हैं, वेर केयर, एन वेर केयर, न्यूमरी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वेर केयर 50 दे रहा हूँ। ठीक है, फिर टेस्ट कॉलम टू। ठीक है, यहाँ मैं देता हूँ इसको इंटीजर फॉर एग्जाम्पल, और अलाउड नल रखा मैंने। ठीक है, और इसको अगर तीसरा एक कॉलम दे देता हूँ, टेस्ट कॉलम थ्री। बुलियन दे देता हूँ यहाँ पर, बुलियन मतलब बिट यहाँ पर देंगे हम। ठीक है, 1 या 0 ये होगा। तो और मैं कंट्रोल सेव करूंगा इसको। तो ये मेरे को पूछ रहा है टेबल का नेम। तो यहाँ मैं टेस्ट टेबल ऐसे नाम दे रहा हूँ इसको। ये जस्ट डेमो के लिए कि भाई कैसे क्रिएट होता है। तो हमने क्या करा, राइट क्लिक किया टेबल पे, न्यू टेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, फिर कॉलम नेम, डेटा टाइप और अलाउ नल, ये कॉलम हमने यहाँ पर फिल किए, राइट? और यहाँ पर हमने ये टेस्ट टेबल नेम दिया। मैं ओके करता हूँ, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया, ये रहा। ठीक है, अब मैं इसको जस्ट बंद करता हूँ। तो आप देख पाओगे कि भाई इसकी डिज़ाइन अगर देखनी है हमें, तो डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो हम डिज़ाइन देख पाएंगे। ठीक है, पर दोस्तों ये तो जीयूआई से हमने क्रिएट किया, पर नॉर्मली आपको एसक्यूएल वाला ऑप्शन आना चाहिए, एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिख के क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करके, ये ऑप्शन आपको आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि वो वाला ऑप्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको बर्न करता हूँ, और यहाँ पर मैं उसका स्टेटमेंट कैसे है वो मैं बताता हूँ। क्रिएट स्टेटमेंट, राइट? क्रिएट टेबल, चलो मैं एक टेबल का नाम बताता हूँ कि एम्प्लॉय टेबल हम फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय
इसको मैं यहाँ खत्म करता हूँ। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में हमको कॉलम नेम देने रहेंगे, ठीक है? तो क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नेम, उसके बाद कॉलम नेम और डेटा टाइप। तो हम देखते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय आई टी, और डेटा टाइप इसका क्या रहेगा? इंटीजर, ठीक है? फर्स्ट नेम क्या रहेगा डेटा टाइप? वेर केयर, स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट? और यहाँ पर केयर वेर केयर अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। वेर केयर क्यों लिया है आप मेरे को दिया बताओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि भाई केयर में डिफरेंस क्या है, वेर केयर में क्या है ना। तो यहाँ पर वेर केयर 50। लास्ट नेम वेर केयर 50। फिर क्या आएगा? डेट ऑफ बर्थ, डेट। दूसरा हम ले लेते हैं डिपार्टमेंट वेर केयर 50 ले लेते हैं, ठीक है? फिर ले लेते हैं सैलरी, सैलरी क्या हुआ? अमाउंट, तो डेसिबल में आएगा, तो हम यहाँ ले लेते हैं डेसिबल 10.2, ठीक है? तो देखो स्ट्रक्चर क्या है, क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, तो पहले कॉलम नेम आएगा, फिर डेटा टाइप आएगा, राइट? तो डेटा टाइप के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो गो थ्रू कर सकते हो आप, है ना? तो ये एक क्रिएट टेबल का सिंटेक्स होगा। तो अब मैं यहाँ इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ मेरे को ये इस पर राइट क्लिक करना है और न्यू क्वेरी पे जाना है, तो क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ मैं वो स्क्रिप्ट पेस्ट करता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए से और एग्जीक्यूट करता हूँ। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब कमांड में कोई एरर नहीं है। तो मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा टेबल आ गया है कि नहीं। देखो दोस्तों, एम्प्लॉय टेबल आ गया है। इसको डिज़ाइन ओपन करके देखता हूँ कि भाई सिंटेक्स ठीक है। ये हो गया हमारा एम्प्लॉय टेबल। दोस्तों ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर तो ये है। अब हम यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ये दिखा रहा है, कॉलम्स, ठीक है? कॉलम्स में तो कॉलम्स दिखा रहा है, कीज, कंस्ट्रेंट्स, ट्रिगर्स, इंडेक्स, स्टेटिस्टिक। तो ये ऑप्शंस हम अगले कुछ वीडियो में वन बाय वन देखेंगे, पर अब सबसे पहले हम यहाँ अभी देखेंगे कि हम इसमें अगर डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, स्क्रिप्ट टेबल एज में जाऊँगा, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ इंसर्ट टू में जाऊँगा सबसे पहले, तो न्यू क्वेरी विंडो। तो यहाँ पर हमको इसने इंसर्ट स्टेटमेंट दे दिया है स्ट्रक्चर। तो नॉर्मली क्या होता है, इंसर्ट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको पहले, यही बेहतर है आई थिंक, यही ठीक है। इंसर्ट इनटू एंड टेबल नेम, राइट? उसके बाद ब्रैकेट में कॉलम्स के नेम है वन बाय वन, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, सैलरी, राइट? और उसके बाद वैल्यूज, जो भी हम वैल्यू देना चाहते हैं यहाँ पर आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ एम्प्लॉय आईडी 1, यहाँ फर्स्ट नेम देता हूँ मीत, राइट? मीत मिश्रा, ठीक है? यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल आईटी, ठीक है? सैलरी क्या रहेगी फॉर एग्जांपल, ₹25,000, ठीक है? अब मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इसको,
वन रो इफेक्टेड, मीन्स एक रो इंसर्ट हो गई है। अब इसको हमको देखना है, राइट? तो हम कैसे देख पाएंगे? तो मैं यहाँ राइट करूँगा और यहाँ सिलेक्ट टॉप 1000 रोज है उस पर क्लिक करूँगा। तो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट इसने चलाया और बताया कि भाई कितने रिकॉर्ड्स है। तो ये हमारा जो फर्स्ट रिकॉर्ड था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब दूसरा रिकॉर्ड मैं फॉर एग्जांपल इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ मैं फॉर एग्जांपल 2 कर देता हूँ, यहाँ पर कोई दूसरा नाम दे देते हैं, ठीक है, प्रीत पटेल फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 85, जीरो थ्री, 25, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर मैं देता हूँ 17,000, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया और हमारे ये क्वेरी विंडो में हम आते हैं और यहाँ वापस से एग्जीक्यूट करते हैं इसको, आ गया दूसरा रिकॉर्ड। तो इस तरह से हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हैं वो ऑप्शनल है, ये बाय डिफॉल्ट जनरेट करके लाता है, पर हम नहीं देंगे तो भी चलेगा, है ना। तो ये है। तो दोस्तों इन समरी हमने क्या क्या चीज़ें देखी। एक तो क्रिएट स्टेटमेंट देखा, तो इसका सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, राइट, टेबल नेम, फिर उसके बाद कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉलम नेम टू डेटा टाइप, कॉलम नेम थ्री डेटा टाइप, राइट। इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हो। तो ये क्रिएट टेबल देखा हमने, उसके बाद इंसर्ट स्टेटमेंट, इसका सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम ब्रैकेट में कॉलम नेम वन, कॉलम नेम टू, राइट। इस तरीके से मल्टीपल कॉलम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद कॉलम्स की वैल्यूज, तो यहाँ वैल्यूज, राइट, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो ये इंसर्ट का हुआ। और सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, राइट, तो ये इसका सिलेक्ट स्टेटमेंट हुआ। तो ये बेसिक चीजें हमने देख ली है दोस्तों। अब आगे के वीडियो में हम और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों। तो ठीक है, बाय बाय।